أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله العظيم. बनी इसराइल में एक शख्स मारा गया जिनका नाम आमील था और उसको कत्ल करने वाले नामालूम थे। अब वो बनी इसराइल एक दूसरे पर इसके कत्ल का इल्ज़ाम लगाते थे और ये मसला बहुत हद तक बढ़ गया। बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि भाई ने अपने भाई को कत्ल किया था उसकी मीरास पर कब्ज़ा करने की लालच में कि वो मर जाएगा उसका मीरास मेरे लिए बाकी रह जाएगा मैं उस पर कब्ज़ा कर लूँगा। लेकिन मारने के बाद उसकी लाश को ऐसी आम रास्ते में फेंक दिया और उस फेंकने के बाद उस पर शोर और वावेला मचाना शुरू कर दिया कि मेरे भाई को किसने कत्ल किया है और उससे मुझे हक दियत दिलवाया जाए और उनसे मुझे यानी बदला दिलवाया जाए। इस तरह से शोर करने लगा। अब कातिल मालूम नहीं। और बाज़ उलमा ने लिखा है कि भतीजे ने अपने चचा को कत्ल किया था या आमील नामी जो शख्स था इसके भतीजे ने इनको कत्ल किया था और उनका कातिल मालूम नहीं था। तो बहरहाल जो भी था एक शख्स कत्ल हुआ जिसका कातिल मालूम नहीं था। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं वइज़ क़ाला मूसा, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐसा करो कि कोई गाय को ज़बह कर लो और उसका कोई टुकड़ा इस मुर्दे पर मारो। बस इतना करने के बाद वो बता देगा, पता चल जाएगा कि इसका कातिल कौन है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं वो इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, जब याद करो उस वक़्त को कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा इन्नल्लाह यअमुरुकुम, कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म करता है अन तज़बहू बकरतन, कि तुम किसी भी गाय को ज़बह कर लो। बकरतन से मुराद कोई भी गाय हो तुम उससे ज़बह कर लो। खालू, वो कहने लगे अततखिज़ुना हुज़ुआ, क्या तो हमें पकड़ते हैं मजाक करते हुए यानी हमसे मजाक करते हो आप। काला, फरमाने लगे मूसा अलैहिस्सलाम अऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं हो जाऊँ जाहिलों में से, मैं नादान किस्म के लोगों में से हो जाऊँ कि आपका मजाक उड़ाऊँ। ऐसी बात नहीं है। वो असल में उनको ये बात इसलिए समझ नहीं आ रही थी कि वो सोच रहे थे कि भला मुर्दे का इससे क्या ताल्लुक कि गाय को ज़बह करें, गाय को ज़बह करेंगे उससे मुर्दे का कातिल कैसे मालूम होगा, ये उनके समझ में आने वाली बात नहीं थी। कालो, इस पर वो कहने लगे उदउ लना रब्बका, आप हमारे लिए दुआ कर लें अपने रब से युबय्यिन लना, कि वो हमें साफ साफ बताए मा हिया, कि वो गाय कैसी हो। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु यकूल, बेशक अल्लाह जल्ला जलालहु फरमाते हैं इन्नहा बकरतुन, कि बेशक वो एक गाय हैं ला फारिज़ुन, कि न बड़ी उम्र की हैं बहुत वला बिक्रुन, और न बिल्कुल बच्ची है छोटी उम्र की है अवानुम बैन ज़ालिक, बल्कि इन दोनों के दरमियान दरमियान की है। अवानुम का माना दरमियान की है, जवान है, जवान है बैन ज़ालिक, इन दोनों के दरमियान। फ़फ़ालू मा तुअमरून, तुम करो जिसका तुम्हें हुक्म मिल रहा है, बस अब कर लो इसको, इतनी बात है। कालो, वो फिर कहने लगे उदउ लना रब्बक, आप हमारे लिए दुआ कर लें अपने रब से युबय्यिन लना मा लौनुहा, कि वो हमें बताएँ अल्लाह पाक कि उस गाय का रंग कैसे होगा। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु यकूलो, बेशक अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नहा बकरतुन, कि बेशक वो गाय है सफरा जर्द रंग की फाकउन लौनुहा, फरमाया कि सफरा फाकउन लौनुहा की तफसीर उलमा ने की है शदीदतु सफरा, कि उसका जर्द रंग होना ये सख्त किस्म का रंग है यानी शोख किस्म की रंग की है, गहरा रंग है। तसुरुन नाज़रीन, फरमाया कि फाकउन, वो गहरा रंग हो जर्द किस्म का, किलौनुहा, इस गाय का रंग तसुरुन नाज़रीन, खुश कर दे, खुश करता हो इसका रंग देखने वालों को, कि इसका रंग ऐसा जर्द किस्म का रंग हो कि जिसको देखकर फिर वो जो देखने वाले हैं उनको अच्छा लगे, उनका दिल खुश हो जाए। कालू, कहने लगे उदउ लना रब्बक, आप दुआ करो हमारे लिए अपने रब से युबय्यिन लना, कि वो बयान करे हमारे लिए साफ साफ बता दे हमें माँ हिया कि ये गाय कैसी हो। इन नलबकारा तशाबह अलैना, बेशक गाय हम पर बड़ी मुश्तबे हो गई है, हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरह की गाय होगी। व इन्ना इंशा अल्लाह लमुहतदून,
और बेशक हम अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस तक पहुंच जाएंगे, हमें रास्ता मालूम हो जाएगा, हम जो मतलूब और मकसूद चीज़ है जो गाय को लेना है हमने, बस अल्लाह पाक उसकी सही सही निशानी हमें बता दे साफ साफ ताकि हम उस तक पहुँचें। खाला मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नहु यकूलु, बेशक अल्लाह जल्ला जलालु फरमाते हैं इन्नहा बकरतुन, कि बेशक वो गाय है ला दलूलुन, तो वो मेहनती नहीं है, तुसीरुल अर्दा की जोती हो ज़मीन को, वला तस्किल हरसा और न खेत को पानी पिलाती है, मुसल्लमतुन बिल्कुल सही सालिम है, ला शियत फीहा उसमें कोई ऐब नहीं। कालू वो कहने लगे अलआन जिअत बिलहक, अब तुम हक बयान करके हक को लेकर आ गए हो, यानी तुमने अब हक बयान किया, उसके सारे अफसाफ तुमने टिक टिक बताए। फ़ज़ा बहोहा, फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़ज़ा बहोहा, फिर उसको ज़बा किया, वो माँ का दुय फालून, और लगता नहीं था कि वो ऐसा करेंगे। उस गाय को ढूंढा तो वो एक यतीम की गाय थी कि जो अपने वालदेन का बड़ा, यानी अपनी वालदा का बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत करने वाला था, उनकी गाय थी और उन्होंने बहुत बड़ी मकदार में, उलमा ने लिखा है कि उनके इस गाय के चमड़े को सोने से भरकर उन्हें दिया गया और उसके बदले में इस गाय को ख़रीद लिया गया। तो बहरहाल ये इन्होंने चूँकि ख़ुद से अपने ऊपर सख्ती की सवाल करने में, इस वजह से अल्लाह जल्ला जलालु ने भी इनको ऊपर सख्ती की, वरना तो कोई भी गाय वो ज़बह कर लेते तो मसला हल था, कोई मुश्किल नहीं था। तो बहरहाल अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन्होंने उसको ज़बह किया, वमा कादु यफ़अलून, और वो लगता नहीं था कि ऐसा करेंगे। वह इस कतल तुम, और तुम याद करो उस वक़्त को कि जब तुमने कत्ल किया था नफसन एक नफस को, फद्दारा तुम फीहा, फिर तुम उसमें झगड़ रहे थे उसके बारे में, एक दूसरे के ऊपर तोहमतें इल्ज़ाम लगा रहे थे, वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह जल्ला जलालू निकालने वाले थे, जाहिर करने वाले थे जो तुम छुपा रहे थे, तुम छुपाना चाह रहे थे उसको कि कातिल छुपाना चाह रहा था अपने आप को कि मैं मालूम ना हो जाऊँ, लेकिन यह है कि अल्लाह पाक ने उसको ज़ाहिर करना था। फ़कुल नज़रिबो हो, फिर हमने, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने कहा कि इस मुर्दे को मारो, बिबादहा इस गाय के बास टुकड़े से, कज़ालिका इसी तरह, युहिल्लाहुल मौता, अल्लाह पाक जिंदा करते हैं मुर्दों को, व युरीकुम आयातिही, और अल्लाह पाक तुम्हें दिखाते हैं अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल और समझ से काम लो। गोया इसमें एक दो हिकमतें थी, एक हिकमत तो यह है कि कातिल मालूम हो जाए, एक दूसरे पर तोहमत इल्ज़ाम ये यानी गलत किस्म के इल्ज़ाम ये ना लगाए जाएँ, बल्कि वो सही कातिल मालूम हो जाए, और दूसरी बात इससे ये मकसूद थी कि अल्लाह जल्ला जलालुहु उन बदअकीदा लोगों को कि जिनका अकीदा ये है कि इंसान के मरने के बाद वो दोबारा कैसे ज़िंदा होगा, ये अल्लाह पाक ने इस किस्से के ज़रिए से उनको भी समझाना था कि वो देख लें कि किस तरह अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदा करते हैं। रिवायत में आता है कि उन्होंने उस गाय को ज़बह करने के बाद उसका टुकड़ा लिया और वो आमिल नामी शख्स के ऊपर उसका कोई टुकड़ा तोड़ा सा मारा उसके बदन पर, वो फौरन उसमें सांस आ गया और वो बोलने लगा, उन्होंने अपना कातिल का बता दिया और उसके बाद फिर वो अल्लाह को प्यारा हो गया, फिर फौत हो गया। थुम्मा कसत कुलूबकुम, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, मिन बाद ज़ालिका इसके बाद, फही अकल हिजारत, तुम्हारे दिल पत्थर जैसे हो गए, और अशद कसवतन या पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए, व इन मिन अल हिजारत, और बेशक बास पत्थरों में से, लमा यतफज्जर मिन्हु अल अनहार, वो हैं कि जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं, नहरें जारी हो जाती हैं, व इन मिन्हा, और बाज वो है इन पत्थरों में से, लमा यशक्क़ु, के वो फट जाते हैं खुद, फयख्रुजु मिन्हुल मा, उसमें से पानी निकलता है, कुछ थोड़ा बहुत पानी उसमें से भी निकल जाता है अगरचे नहर जारी नहीं होता, और वह इन मिन्हा, और बेशक इन पत्थरों में से कुछ वो है, लमा यहबितु, कि जो गिर पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से कड़क जाते हैं, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से, वमल्लाहु बिगाफिलिन, और नहीं है अल्लाह पाक बेखबर, अम्मा तअमलून, जो तुम करते हो। गोया अल्लाह जल्ला जलालु फरमाते हैं कि तुम्हारे सामने मुशाहिदे की बात है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक संगलाख पत्थर को, मजबूत चट्टान को, उसको लाठी से मारा और अल्लाह पाक ने उससे 12 चश्मे जारी कर दिए कि जो 12 बड़े बड़े कबीलों के लिए वो पानी काफ़ी हो गया। तो उसमें भी इतना नरमी तो होता है पत्थर में, और कुछ पत्थर वो होते हैं कि जिनमें इतना पानी उससे जारी नहीं होता, लेकिन फिर भी जब वो पट जाते हैं उसके अंदर से पानी निकलता है, और कुछ वो है कि जो कड़क जाते हैं और गिर जाते हैं, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से, वमल्लाहु बिगाफिलिन। गोया ये सारी कायनात की जितनी चीज़ें हैं
इन सब में अल्लाह पाक ने, अब तो साइंस भी ये बात मानती है कि सब में अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ यानी शऊर रखा हुआ है, वो कुछ ना कुछ समझते हैं इन चीज़ों को। तो अल्लाह जल्ला जलालू तो हमें पहले से बता चुके हैं कि पूरी कायनात की हर चीज़, जैसे कुरान में अल्लाह पाक एक जगह फरमाते हैं वो इम मिन शय इन इल्ला युसब्बहु बिहम्दिही, कि पूरी कायनात की कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह की तस्बीह ना बयान करती हो। वलाकिन ला तफ़क्हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। हम और आप ना समझे तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारी कायनात खामोश है। सारी कायनात, वो हयवानात में से हो, नबातात में से हो, जमादात में से हो, किसी भी किस्म का वो उसका जो है वो उसकी किस्म हो, लेकिन यह है कि उसमें अल्लाह जल्ला जलालो ने शऊर रखा है और वो अल्लाह की तस्बीह और तहमीद और तबजील और तकरीम में भी मशगूल है और उसकी इबादत में भी। और यहाँ पर यह फरमाया कि पत्थर जैसा सख्त चीज़ भी वो इतना सख्त नहीं है जितना तुम्हारे दिल सख्त है, कि तुम्हारे दिल पर कोई असर ही नहीं हो रहा। वो पत्थरों से भी कुछ असर हो जाता है, वो भी कुछ असर ले लेते हैं, अल्लाह के खौफ का असर उन पर भी हो जाता है, आप पे तो कोई असर नहीं हो रहा, इतने तुम्हारे दिल सख्त हो गए। तो अल्लाह जल्ला जलालो हमें दिल की सख्ती से हिफाजत फरमाए हमारी, और हमें कुरान के तमाम अहकाम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन वालिही व असहाबिही अजमाइन, आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।